दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज़। बाबा दर्शन न्यूज़ से मैं इनामुल्ला खान। रोहतास जिला के कोचस नगर पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में नाले का गंदा पानी और जल जमाव को लेकर कोचस के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व जिला परिषद सदस्य मुन्ना पासवान, पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुरेंद्र दुबे, उदय नारायण उपाध्याय, रविंद्र पाठक, ललन राम पंचायत समिति सदस्य, गोकुल चौहान, विजय मिश्रा, जनार्दन कुशवाहा, बजरंगी यादव, नरेश राम, इन तमाम लोगों ने इस जल जमाव को लेकर निंदा की है। साथ ही साथ लोगों ने नारेबाजी भी की। क्या कुछ कहा पूर्व पैक्स अध्यक्ष कोचस सुरेंद्र दुबे ने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोचस में सभी चंपा कल्प और पंचायत का निर्माण कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पानी, कल का पानी पंचायत में जाए और प्रदूषण कम हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे नगर पंचायत कोचस के स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोचस के बगल में जो चंपा कल है, वो जिधर पानी बह रहा है ठीक उसके विपरीत पंचोह गड्ढा बना हुआ है और पानी, कल का पानी सीधा अस्पताल में जा रहा है। पूरा रास्ता भींगा पड़ा है, रोगी उसी तरफ से जाते हैं आते हैं, छिटका पड़ता है, कोई गिरता है, लेकिन इसको कोई देखने वाला नहीं है। हमारे कार्यपालक हो या प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या हमारे जनप्रतिनिधि हो, इसके निगाह किसी के निगाह में नहीं है। मैं चाहूँगा मीडिया के माध्यम से कि सबको जगाया जाए और इस पर भरपूर कार्य किया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुरेंद्र दुबे कोचस। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।